का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। प्रदेश शासन के सुशासन में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को नहीं विश्वास। 1500 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों वाली नगर निगम में मात्र 3 अधिकारी एवं 11 कर्मचारियों ने ही ली सुशासन की शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन पर निगम अधिकारियों ने निभाई मात्र औपचारिकता, जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। ₹146 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। शहर कांग्रेस द्वारा अंबेडकर सर्कल पर किया गया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारों से गुंजा क्षेत्र। राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में अग्रणी शहर के यशस्वी विधायक चेतन काश्यप ने एक बार फिर विधानसभा में वेतन भत्ते एवं पेंशन के समर्पण की घोषणा की। रतलाम विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि वे राजनीति में जनसेवा के लिए आए हैं। राजनीति उनके लिए साध्य नहीं, सिर्फ जनसेवा का साधन मात्र है। राष्ट्र सेवा और जनसेवा है ध्येय। उज्जैन के शीर सागर स्टेडियम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 15 सब जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका कुश्ती स्पर्धा हेतु रतलाम जिला कुश्ती संघ की टीम का चयन जवाहर व्यायामशाला परिसर में किया गया। देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस प्रदेश शासन के साथ केंद्र सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती हुई आ रही है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जहां आम जनता को जनहित से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाती है, वहीं प्रदेश शासन के अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ भी दिलवाई जाती है, जिससे कि अधिकारी कर्मचारियों के मन में आम जनता के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए आमजन को सुशासन का एहसास हो सके, इस प्रकार कार्य करे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रदेश शासन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए प्रदेश के सभी विभाग जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालय तक अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाया जाना थी। 23-24 दिसंबर को अवकाश होने की वजह से उक्त शपथ 22 दिसंबर को ही दिलवाई गई। प्रदेश शासन की सुशासन वाली शपथ में निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, जिसका परिणाम यह रहा कि 1500 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों वाली नगर निगम में मात्र 3 अधिकारी एवं 11 कर्मचारियों ने ही सुशासन की शपथ ली। कहने को तो निगम में 2 दर्जन से अधिक अधिकारी है एवं 700 से अधिक कर्मचारी है। बावजूद इसके प्रदेश शासन के आदेश की अवहेलना करना एवं देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिलाई जाने वाली शपथ को अनदेखा करना कई सवालों को जन्म दे देता है। शून्य से शिखर तक देश में भाजपा का ही शासन है, वहीं निगम परिषद विधायक सांसद तथा सत्तारूढ़ पार्टी के है, और ऐसे में शासन के आदेश की अवहेलना करना निगम अधिकारियों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर देता है। क्या आखिर यह क्या कारण रहे जिसकी वजह से निगम अधिकारी कर्मचारी शासन के आदेश एवं भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर दिलाई जाने वाली सुशासन की शपथ को ही नजरअंदाज कर दिया। उच्चतम मापदंडों को सदैव संकल्पित रहूंगी और अधिक पारदर्शी
लोकसभा व राज्यसभा के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में ही विपक्षी गठबंधन आज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष संसद सुरक्षा के उल्लंघन की घटना पर अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अलोकतांत्रिक तरीके से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन द्वारा देश प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश मिलने के बाद शहर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। ज्ञात रहे कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक 140 सांसद निलंबित हो चुके हैं। यह सबसे ज्यादा निलंबन का रिकॉर्ड है, जिसके विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने की बात कही थी। राष्ट्रीय स्तर से मिले निर्देशों के बाद कोर्ट चौराहा स्थित अंबेडकर सर्किल पर पहुंचकर जिला एवं शहर कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, कांग्रेस युवा नेता राजीव रावत, निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछवाया, लक्ष्मण सिंह डिंडोर, पारस सकलेचा आदि कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में अग्रणी शहर के यशस्वी विधायक चेतन काश्यप ने एक बार फिर विधानसभा में वेतन भत्ते एवं पेंशन के समर्पण की घोषणा की। रतलाम विधायक चेतन काश्यप ने राज्य विधानसभा में वेतन भत्ते एवं पेंशन के समर्पण की घोषणा की। वे 2014 से लगातार विधायक है, इसी अवधि से वे वेतन भत्ते ग्रहण नहीं कर रहे है। उनका कहना है कि वे राजनीति में जनसेवा के लिए आए है, राजनीति उनके लिए साध्य नहीं, सिर्फ जनसेवा का साधन मात्र है। राष्ट्र सेवा और जनसेवा उनका ध्येय है। वे किशोर अवस्था से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर है तथा उनके सेवा प्रकल्पों का संचालन कर रहे हैं। विधायक चेतन काश्यप का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें इस योग्य बनाया है कि वे जनसेवा में थोड़ा सा अवदान कर सके। इसी तारतम्य में उन्होंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों एवं पेंशन नहीं लेने का निश्चय किया है। 14वीं एवं 15वीं विधानसभा में भी उन्होंने वेतन भत्ते ग्रहण नहीं किए थे। अपनी घोषणा में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे चाहते हैं कि उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों की राशि का राज्य कोष से ही आहरण नहीं हो, ताकि उस राशि का सदुपयोग प्रदेश के विकास और जनहित के कार्यों में हो सके। संचालन कर रहा हूं, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूं। इसी तारतम्य में मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन नहीं लेने का निश्चय किया है। पिछली दो विधानसभा में भी मैंने वेतन भत्ते ग्रहण नहीं किए थे। मैं चाहता हूं कि मुझे प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों एवं पेंशन की राशि का राज्य कोष से ही आहरण नहीं हो, ताकि उस राशि का सदुपयोग प्रदेश के विकास और जनहित के कार्यों में हो सके। अनुरोध है, आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। उज्जैन के शीर सागर स्टेडियम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 15 सब जूनियर एवं जूनियर बालक एवं बालिका कुश्ती स्पर्धा हेतु रतलाम जिला कुश्ती संघ की टीम का चयन जवाहर व्यायामशाला परिसर में किया गया। इस दौरान जिले के सैकड़ों पहलवानों ने भाग लिया।
ज्ञात रहे कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता सब जूनियर एवं सीनियर बालक बालिका प्रतियोगिता उज्जैन में आयोजित हो रही है, जिसकी जिला कुश्ती संघ की कुश्ती टीम के खिलाड़ियों की ट्रायल जवाहर व्यायामशाला श्रम शिविर परिसर में आयोजित किया गया। उक्त ट्रायल में जिन खिलाड़ियों का चयन होगा वही खिलाड़ी राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं सीनियर कुश्ती स्पर्धा में भाग ले सकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक सेवाएं सुलभ कराए जाने हेतु उकाला रोड व दीनदयाल नगर में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। उकाला रोड व दीनदयाल नगर में आयोजित शिविर में महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन कमजोर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय व निर्मल कटारिया ने अपने पृथक-पृथक उद्बोधन में कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु भारतीय जनता पार्टी ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया है। इससे अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। आयोजित शिविरों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आकस्मिक राहत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन के कैंप लगाए जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। सभी माताओं का अभिनंदन है, स्वागत को सुदृढ़ करेंगे, देश की रक्षा करने वालों का और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बाजना बस स्टैंड स्थित प्रजापति मारवाड़ी धर्मशाला में धन्ना लाल झुंझुनिया परिवार द्वारा करवाई जा रही संगीतमय भागवत कथा के दौरान जवाहर व्यायामशाला अध्यक्ष गौरव जाट पहलवान, सचिव राजीव रावत, व्यायामशाला के वरिष्ठ ईश्वर बाबा आदि ने शामिल होकर आरती का लाभ लेते हुए पंडित श्री हरीश जी व्यास का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्मालुजन मौजूद रहे। तन का श्रृंगार तो सभी कर लेते हैं, मगर मन का श्रृंगार श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से ही संभव है। कथा श्रवण और अनुकरण से जीवन का उद्धार संभव है। मनुष्य को जीवन में अभियान नहीं करना चाहिए, जीवन में सुख केवल सत्संग से ही मिलेगा, भजन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय ओजस्वी वक्ता श्रीमद् भागवताचार्य सत्यव्रत शास्त्री ने व्यक्त किए। श्री हनुमान बाग अमृत सागर पर श्री राधा कृष्ण संस्कार परिषद एवं गीता जयंती महोत्सव समिति के बैनर तले 20वें महोत्सव के 5वें दिन की कथा प्रारंभ होने के पहले पंडित नंद किशोर व्यास एवं दुर्गेश रावल ने धर्मनिष्ठ रोहित पूजा शर्मा दंपति से श्रीमद् भागवत पुराण की पूजा अर्चना करवाकर आरती करवाई, भागवत आचार्य श्री शास्त्री का सम्मान किया। इस दौरान समाज सेवी मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। आचार्य श्री शास्त्री ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म और भगवान को नहीं मानती है, लेकिन अपने धर्म को जानने के लिए गीता भागवत रामायण पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो जाएगी। श्री राधा कृष्ण संस्कार परिषद एवं गीता जयंती महोत्सव समिति के संस्थापक एवं संयोजक
पुष्पोद्भव शास्त्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का समापन 23 दिसंबर को होगा। शहरवासी आयोजन में तन मन धन से सहयोग कर पूर्ण लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज के लिए बस यही था, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश शासन की सुशासन में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को नहीं विश्वास, 1500 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों वाली नगर निगम में मात्र 3 अधिकारी एवं 11 कर्मचारियों ने ही ली सुशासन की शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन पर निगम अधिकारियों ने निभाई मात्र औपचारिकता, जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। ४४६ सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ पार्टी पर लोकतंत्र के हत्या का लगाया आरोप, शहर कांग्रेस द्वारा अंबेडकर सर्कल पर किया गया प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारों से गुंजा क्षेत्र। राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में अग्रणी शहर के यशस्वी विधायक चेतन काश्यप ने एक बार फिर विधानसभा में वेतन भत्ते एवं पेंशन के समर्पण की घोषणा की। रतलाम विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि वे राजनीति में जनसेवा के लिए आए हैं, राजनीति उनके लिए साध्य नहीं, सिर्फ जनसेवा का साधन मात्र है, राष्ट्र सेवा और जनसेवा है ध्येय। उज्जैन के शीर सागर स्टेडियम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 15 सब जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका कुश्ती स्पर्धा हेतु रतलाम जिला कुश्ती संघ की टीम का चयन जवाहर व्यायामशाला परिसर में किया गया।